दोस्तों आज हम इस 2D क्लिपिंग के अंदर कंसेप्ट करेंगे। बेसिकली जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ क्लिपिंग होती है वो है पॉलीगन क्लिपिंग। ठीक है, इससे पहले हमने पॉइंट क्लिपिंग और लाइन क्लिपिंग किया था। लाइन क्लिपिंग में हमने तीन एल्गोरिथम किए थे, कॉहन सुदरलैंड एल्गोरिथम, उसके बाद हमने किया था साइरस बैक एल्गोरिथम, देन हमने किया था लियाम बरेस्की। अब बात आती है कि पॉलीगन क्लिपिंग बेसिकली क्या होती है। ठीक है, टॉपिक में आगे बढ़ने पहले ये बता दूं कि कुछ टॉपिक्स के मैंने नोट्स अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर एक दो एल्गोरिथम है वो भी करेंगे, तो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इजी है, बट इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा समझ के चलना है। कंसेप्ट आता है कि पॉलीगन क्लिपिंग क्या होती है, एल्गोरिथम तो बाद में देखेंगे, भाई पॉलीगन क्लिपिंग क्या होती है ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बुक के फ्लो में मत बह जाना। पॉलीगन क्लिपिंग की बात कर रहा हूं, देखो एक डायग्राम बनाता हूं, ये मेरी क्लिपिंग विंडो है जैसा कि अब तक हम देखते आए हैं। ठीक है, जिसने प्लीज वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक जरूर किया कीजिए, कई बार मैं कह चुका हूं। ठीक है, ये मेरी क्लिपिंग विंडो है, इसके अंदर हमें क्या कंसेप्ट है, पॉलीगन को क्लिप करना है, मतलब एक पॉलीगन इसके अंदर होगा, कुछ बाहर होगा, पोर्शन क्लिप करना है। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, कुछ जो एग्जांपल है मेरे पास उसी से उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, ये आ गया एग्जांपल भाई मेरे पास कि ये मेरी क्या है, ब्लू लाइन के वो क्या है, सॉरी क्लिपिंग विंडो है, और ये मेरा क्या है, पॉलीगन। अब कहता है भाई इसको क्लिक करके दिखाओ। अब जिस बंदे ने, सोचो एक मिनट के लिए कंसेप्ट सोचना, जिसने सिर्फ लाइन क्लिपिंग करी होगी वो सोचेगा कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो सिंपल क्या डालेगा, थोड़ा सा सोचोगे कि यार पॉलीगन है ही क्या, एक ऐसी लाइनें जो जुड़ी होती है मगर आपस में आखिरी में क्लोज्ड होती है, क्लोज्ड फिगर को हम लाइनों की क्या कहते हैं, पॉलीगन। वो कहते हैं यार जैसे हमने उठाया था लाइन को क्लिप कर देते थे कि जितना पोर्शन बाहर है उसको बाहर फेंको, जितना अंदर उसको अंदर रखो और अपना आउटपुट निकालो। ठीक है, तो कुछ बंदों ने इसका आंसर या कुछ या काफी बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया होगा, अगर आप आइडिया लगाए तो, लाइन क्लिपिंग को देखते हुए। ठीक है, उसने क्या करेगा, वो यहां जाएगा, वो इसको उठाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को निकाला, बाहर वाले को क्या किया, क्लिप कर दिया, ये लाइन इतनी समझ लो यहां जा रही है, देन ये पोर्शन क्लिप हुआ, इसकी बारी आई, ये इतना अंदर था इसको रखा, देन इस लाइन पे मूव किया, ये कट हुई तो ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, इतने एरिया सपोज कर लो ऐसे, देन ये क्लिप हुआ, ये क्लिप हुआ, यहाँ कहीं से लाइन बड़ी इस तरफ ऊपर गया, ये पोर्शन आया और ये यूं गया। ठीक है, उसने थोड़ी समझदारी दिखाई और आंसर यूं शो कर दिया। ठीक है जी, शायद आप भी कहोगे यार यही तो होना चाहिए, जब लाइन क्लिपिंग करते हैं तो भाग यू तो फेंकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारे मैथमेटिशियन या कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो एल्गोरिथम डेवलप करते थे, किसी ने एक मुद्दा उठाया, वो कहता है कि यार तुम एक पॉलीगन क्लिपिंग कर रहे हो। ठीक है, जब भी हम ऐसी पॉलीगन क्लिपिंग करते हैं तो एक चीज देखो, पॉलीगन क्लिपिंग होने के बाद क्या ये पॉलीगन रह गया अंदर, नहीं, ये तो कट कटा के लाइनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये कुछ और हमारी फिगर में डिवाइड हो गया, बट ये एक जो प्रॉपर्टी होती है पॉलीगन की, वो एक क्लोज्ड फिगर होती है, वो इसने यहां पे क्या कर दी, लूज कर दी। तो हमारे किसी बंदे ने कहा कि नहीं, इसका आउटपुट ये नहीं होना चाहिए, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, हम यहां पे सही गलत की बात नहीं कर रहे, हर किसी का एल्गोरिथम या किसी कंसेप्ट को समझाने का तरीका अलग था, उसने किस हिसाब से समझाया सिर्फ वो हम देख रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, बट किसी के हिसाब से ये होना चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं। ठीक है, वो बंदा क्या कहता है जिसने कहा कि भाई एक प्रॉपर्टी उसकी लूज नहीं होनी चाहिए, उसने कहा कि भाई क्या करो, जैसे सपोज करो मेरे पास ये चीज आई थी, ठीक है, जो मेरे को पिछले आउटपुट में मिली थी, मान लो
कहता है ये तो आपको पिछले आउटपुट में मिली, बट उसके हिसाब से वो कहता है कि पॉलीगन को अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करनी चाहिए, वो एक क्लोज्ड फिगर जरूर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो कहता है इसके लिए कि भाई आप इसको क्लोज्ड बना के रखना हमें, ठीक है। वो कैसे होगा, वो ये कहता है कि आप यहां से जाओ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसके अंदर देखो, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं इसका एग्जांपल इस पॉइंट से, मतलब यहां से ये बंदा क्या कहता है, आप यहां से स्टार्ट हो, ठीक है, ये लाइन क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, इसको हमने सही खींचा, यहां पे गए, यहां पे गए, अब ये लाइन यूं जब अंदर की तरफ आएगी तो कहता आप इसको भी क्या करो, पॉलीगन का पार्ट कंसीडर करो, ताकि ये क्लोज्ड फिगर बनती जाए। आगे बढ़ा, जैसे ही ये बाहर की तरफ गया फिर अंदर आया, तो इसने क्या कहा कि भाई ये पॉइंट तो इसी का अंदर का पार्ट है, इसको तो कंसीडर करो, ठीक है। डाउट आएगा कि हमने इसे क्यों नहीं कंसीडर किया, वो इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये बाहर की तरफ था हमारा पार्ट, ठीक है। अब बात आती है कि यहां से गए तो सेम कहता है इसको भी भाई आप कंसीडर करो ये, देन जब यहां से इधर आए तो कहता है भाई आप इसको कंसीडर करो, और जब यहां से यूं गए तो इसको कंसीडर करो, कहता है ऐसा करने से क्या होगा, ये आपकी एक क्लोज्ड फिगर रहेगी, पॉलीगन बना का बना रहेगा, आपकी क्लिपिंग भी हो जाएगी, ठीक है जी। बट इसके अंदर क्या हुआ, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मतलब लाइंस या कुछ कह लो, जो हमें क्या करना पड़ा, बेसिकली एरिया फिल करना पड़ा। वो क्या था, ये कोऑर्डिनेट्स यहां तक के, ये 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 से ये, ये से ये, ठीक है। अब एक बंदा खड़ा हो गया, उसने अपना कंसेप्ट दिया, वो कहता है कि नहीं भाई उसके हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए फिगर ले लेते थोड़ी सी और, वो ये कहता है कंसेप्ट के अंदर कि भाई हम एक क्लिपिंग कर रहे हैं, क्लिपिंग के जो फंडामेंटल्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे आप पॉइंट को क्लिप कर रहे हो, चाहे लाइन को क्लिप कर रहे हो, चाहे पॉलीगन को क्लिप कर रहे हो, चाहे आप आगे जाके सर्कल क्लिप करो, कहते जो चीज अंदर है वो अंदर रहेगी, जो चीज बाहर है वो बाहर रहेगी, क्लिपिंग का कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है। तो उसने सॉरी इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया, वो कहता है यहां से शुरू हुआ मैं, ये चीज मेरी बाहर है, उसके लिए ये लाइन गई ये, ठीक है, उसने क्या किया इसको पकड़ा, ठीक है जी, ये पकड़ा, देन मेरे पास क्या आउटपुट आया था, ये अभी रुक जाइए पूरा डायग्राम बनाऊंगा, ये ठीक है, एक ये लाइन आई थी, ऐसे एक लाइन ये आई थी, एक ये लाइन आई थी, उसने ये कहा कि भाई हमें एक क्लोज्ड फिगर मिले ना मिले, बट जो फंडामेंटल्स है क्लिपिंग के, कि जो चीज बाहर के बाहर रहनी चाहिए, जो अंदर के वो अंदर रहनी चाहिए। उसने कहा कि पहले बार आपके पास एग्जांपल में तो रिजल्ट ये आया, बट हम क्या करेंगे कि चाहे हमें एक सिंगल पॉलीगन मिले ना मिले, चाहे बहुत सारे मिले, बट कंसेप्ट क्या रहेगा कि आपको ये देखो, आप इसको ऐसे करो, ठीक है, जो इसके अंदर का पार्ट है, इसने अंदर का पार्ट तो रखा, बट वो क्या कहता है कि चाहे आपके पास बहुत सारे पॉलीगन बन के आ रहे हो क्लिप करने के बाद, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जो मर्जी फिगर आए हमें क्या मतलब है, बट कंसेप्ट ये कहता है कि आप इसको ऐसे कर लो, चाहे मेरे पास एक पॉलीगन को क्लिप करके अंदर बहुत सारे पॉलीगन आए, ठीक है जी। तो उसने कहा ये होगा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पे हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे या किसी को सही नहीं ठहरा रहे, ये चीज सिर्फ हमने किस पे छोड़ दी थी, ग्राफिक पैकेजेस वालों पे, कि वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर किसको किस एल्गोरिथम को लेना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है सिंपल बेसिकली कि पॉलीगन क्लिपिंग में हमें डिफरेंट वैरायटीज आएगी, यहां पे हम दो एल्गोरिथम करेंगे बेसिकली, पहला होगा हमारा सुदरलैंड हॉजमैन, आई थिंक ये है सुदरलैंड, लिख दिया मैंने, बुरा मान जाएंगे, सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम आएगा मेरे पास पॉलीगन, ठीक है। और इसके बाद एक एल्गोरिथम और आता है जिसका नाम है, जो कई बार सिलेबस में नहीं है और कईयों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, जिसका नाम है वेलर एथरटॉन, एथर आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, आई थिंक जी हाँ बिल्कुल, ये एल्गोरिथम आएगा। ये दो एल्गोरिथम हम इस पॉलीगन क्लिपिंग के अंदर करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था
कि पॉलीगन क्या होती है, डिफरेंट तरीके से कैसे क्लिप कर सकते हैं, इन एल्गोरिथम के हिसाब से देखेंगे किसने क्या फंडा दिया और कैसे दिया। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।